गुजरात की तरह हिमाचल में भी बीजेपी का विधानसभा चुनाव का अभियान मोदी के आसपास ही घूम रहा है। मोदी सूबे में करीब आधा दर्जन रैलियां भी करेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी चुनाव में सीएम का चेहरा लेकर उतरेगी, वो कांग्रेस के किन मुद्दों का विरोध करेगी, वो पार्टी में हो रही भीतरघात से आखिर कैसे बचेगी। इन सभी सवालों पर इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे ने हिमाचल के पूर्व सीएम रहे प्रेम कुमार धूमल से बात की। हिमाचल में चुनाव का बिगुल बज चुका है और सारे नेता अपने चुनावी सफर में इस वक्त कूद पड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी। प्रेम कुमार धूमल जी, क्या मैं होने वाले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? ये तो भविष्य के गर्भ में है, इसको लोग चुनते हैं, बिल्कुल करेगा। आपकी शुभकामना के लिए। यहाँ हिमाचल का जो हमेशा देखा गया है ट्रेंड कि एक बार दो ही यहाँ को क्षेत्रीय दल तो है नहीं, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस 5 साल की सत्ता रही है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो जिस तरह के आंकड़े भी आ रहे हैं तमाम, उसमें ये लग रहा है कि बीजेपी शायद सत्ता में यहाँ वापसी करे। शायद निश्चित तौर पर सत्ता में बीजेपी ही आएगी। 50+ का लक्ष्य पार्टी ने रखा था, जो जनता का रिस्पांस मिल रहा है, इस तरह का समर्थन मिल रहा है, उसे लगता है 50+ नहीं 60+ होने की भी संभावना बढ़ गई है। क्या वजह है कि हिमाचल में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा, आप होते हुए 2 बार यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपके नाम की घोषणा नहीं की गई, और तमाम नए नए नाम सत्ता के गलियारों में दिल्ली में और यहाँ पे भी हिमाचल में जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कई कई नाम और भी उभर रहे हैं? इसको अक्सर तो विश्लेषण करने वाले ही दे सकते हैं, लेकिन 1998 में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था तब भी घोषणा वोटिंग से 3 दिन पहले आदरणीय अडवाणी जी ने मंडी में की थी। 2007 में भी अंतिम समय में घोषणा हुई थी, तब इस समय पड़ा है प्रधानमंत्री जी का टूर होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का टूर होगा, जब वो उचित समय में उचित निर्णय करके उचित समय पर घोषणा कर देंगे। आपके विपक्ष में जो है कांग्रेस भले यहाँ सत्ता में है पर आप ही दोनों के बीच की लड़ाई है। कहा ये जा रहा है कि कांग्रेस के बहुत से वरिष्ठ नेता जो राजा साहब से नाराज थे उनको बीजेपी ने अपनी तरफ लाने की कोशिश की, और कांग्रेस अगर हार रही है तो इसकी एक प्रमुख वजह है कि पार्टी में आपस में बहुत ज्यादा खींचतान है। कांग्रेस के हारने का मुख्य कारण है भ्रष्टाचार, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार, उनकी हत्याएं, ड्रग माफिया का सक्रिय होना, देवभूमि को ड्रग भूमि बना देना, शराब माफिया, फॉरेस्ट माफिया, हर तरह के माफियाज का राज प्रदेश में हो गया है, और आप साधारण नागरिक, आम नागरिक जो है वो इससे उकता चुका है। हिमाचल की देवभूमि में लोग आते थे देवी दर्शन के लिए, आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए, पर्यटक स्थलों पर स्वास्थ्य लाभ के लिए। अब दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के कार्यकाल में हिमाचल ड्रग भूमि के नाम पर बदनाम हो गया। और क्या मुद्दे हो सकते हैं ये हिमाचल के चुनाव में? आप तो हर जगह घूम रहे हैं, क्या लगता है कि विकास का मुद्दा जो मोदी फॉर्मूला है वो हिमाचल में भी उन्हीं को आगे रख के चुनाव लड़ा जा रहा है? निश्चित तौर पर जो हाईकमांड का मुद्दा होता है तो रहता ही है, विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। इन 5 वर्षों में पूरा विकास ठप पड़ा है, सरकार के पास पैसा नहीं है, लोगों को वेतन नहीं मिल रहा समय पर, पेंशनर्स को 6-6 महीने से पेंशन नहीं मिली, 1% डीए की किस्त और 4% डीए की किस्त में भी 10 महीने इंतजार करना पड़ा कर्मचारियों को, पेंशनर्स 6-6 महीने से पेंशन नहीं पा रहे हैं, तो विकास के लिए तो पैसा है ही नहीं, इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। सड़कें जो हमारे टाइम बनी थी सड़कें उखड़ी हुई हैं, लोग कहते हैं सड़कों में खड्डे, खड्डों में पानी है, कांग्रेस के विकास की ही कहानी है।